हेलो दोस्तों, मैं आपका मैथ्स गुरु प्रबल लवानिया सर लेकर आया हूँ आपके लिए एक धमाकेदार ट्रिक। भाई मेरे को पता है कि आपको दिक्कत आती है ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज को याद रखने में, हर किसी को आती है, आनी भी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सीन चल रहा है कि गब्बर बोल रहा है ठाकुर से, ये हाथ मुझे दे दे। बट भाई ठाकुर साहब है, पूछ रहे हैं क्यों चाहिए भाई, हाथ का रीजन तो बताओ। तो गब्बर बोला मुझे ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज याद करनी है। बिल्कुल, तो भाई ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज हाथों से, लिटरली सर, बिल्कुल हाथों से। साइन, कॉस, टेन, तीनों वैल्यूज बिल्कुल पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से। ये एक हाथ दिख रहा है, इस तरीके से ये मेरा हाथ भी है, ठीक है। जरा देखें, एक चीज को देखना, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आप राइट हैंड साइड में जाते हो तो साइन की तरफ जाओगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो कॉस की तरफ। 0, 30, 45, 60, 90, अगर राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो साइन मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो कॉस मिलेगा। कुछ नहीं करना। अब आप पूछो मेरे से कि सर साइन 30 बताओ कितना आएगा, साइन 30 डिग्री। तो आपको पता है साइन के लिए इधर जाना है, आपने साइन 30 की मार्किंग करी और एक उंगली है राइट हैंड साइड पे जाना है, एक उंगली आ रही है। जितनी भी फिंगर्स आपको दिख रही हैं, जिसका निकालना है और जितनी फिंगर्स आपको दिख रही हैं, उसका अंडर रूट लगा दो। यहाँ पे एक फिंगर दिख रही है, अंडर रूट में 1 लगा दिया और अपॉन में हमेशा 2 आएगा। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है आई थिंक, है ना। अब आप पूछो सर कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कैसे निकालेंगे। कॉस के लिए इधर जाना है, 30 रहेगा मेन, 30 निकालना है तो 30 को आपने फिक्स कर दिया। अब कॉस के लिए कितनी फिंगर है, एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर, अंडर रूट लगा दो और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आना ही है परमानेंट। तो cos 30 क्या होता है, रूट 3/2। सर एक बार और, sin 45 डिग्री निकालना है, sin 45 निकाल लेते हैं। अगर ये 45 है, sin निकालना है, राइट हैंड साइड पे कितनी उंगलियां हैं, 2, तो अंडर रूट में आएगा ये और अपॉन में क्या आएगा, 2। रूट 2 अपॉन 2 क्या होता है, 1/√2, दैट्स इट। अब आपको निकालना है sin 60 डिग्री, तो सर sin 60 निकाल देते हैं, 60 को आपने मार्क करा, साइन निकालना है तो राइट हैंड साइड पे देखते हैं कितनी सारी आपके पास उंगलियां हैं। सर राइट हैंड साइड पे एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, तो भाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और अपॉन में 2 तो परमानेंट आएगा ही, तो आंसर क्या हो गया, रूट 3/2। अच्छा सर एक बात बताओ, अब मेरे को जो पूछ रहा हूँ वो बताना, साइन 90 डिग्री। सर साइन 90 को फिक्स कर लिया, 1, 2, 3, 4, तो अंडर रूट में 4 हो गया और अपॉन में 2 आना ही है, अंडर रूट 4 2 होता है, 2/2, आंसर 1 आएगा। सर 1 आ गया, साइन 91 होता है, आपको भी पता है। अच्छा सर कॉस 0 डिग्री बताइए, कॉस 0 बता देते हैं। आप एक चीज को बताओ, कॉस 0 बताना है, लेफ्ट हैंड साइड की फिंगर्स को काउंट करना है, 0 को आपने मार्क कर लिया, 1, 2, 3, 4, तो अंडर रूट में 4 आ जाएगा और अपॉन में 2 आएगा, अंडर रूट 4 2 होता है, 2/2, आंसर कितना होगा, 1, कॉस 0 1 होता है। समझ में आया। अब आपको जो भी वैल्यू निकालनी है सब निकाल सकते हो, 30 निकालना था राइट हैंड साइड पे, देखा एक फिंगर है, अंडर रूट 1/2, ये आ गया था इस तरीके। समझ में आया, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर समझ में आया तो अब देखते हैं 10 में कैसे निकालना है। 10 तो और ज्यादा ईजी है, कुछ नहीं करना, जरा देखें। यहां पर आपको हाथ को थोड़ा सा इस तरीके से रखना है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। इसके लिए छोटी सी चीज याद रखनी है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले जितने भी नंबर आपको आते थे वो ऊपर वाले नंबरों का रूट निकाल के हमेशा 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या करना है, कितनी फिंगर ऊपर है, कितनी फिंगर नीचे है, दोनों का रूट निकालना है। कैसे सर, 10, 30 डिग्री पे आ जाते हैं हम, 10, 30 पे आ जाते हैं। अगर 30 निकालेंगे, 30 के ऊपर कितनी फिंगर है, 1, अंडर रूट 1, 30 के नीचे कितनी फिंगर है, 1, 2, 3, रूट 3, भाई 1/√3 ही होता है आई थिंक। हो गया आंसर, बिल्कुल हो गया सर। 10, 45 पे आ जाते हैं, ठीक है, 10, 45 ले लेते हैं। अगर 10, 45 लेते हैं, ऊपर कितनी फिंगर है, 2, अंडर रूट 2, नीचे कितनी फिंगर है, 2, अंडर रूट 2, और आपको पता है 10, 45 1 ही होता है, बिल्कुल हो गया तुरंत सर, ठीक है। 10, 60 डिग्री पे आ जाते हैं, 10, 60 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 60 लेके चलोगे, ऊपर कितनी है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 फिंगर, तो अंडर रूट में 3 आ गया। नीचे कितनी है, 1, तो अंडर रूट में 1 आ गया। भाई यही होता है आई थिंक, आपको भी याद है कि 10, 60 डिग्री रूट 3 होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला 10, 90 डिग्री है, अब आप सोचोगे सर 10, 90 तो इनफाइनाइट होता है, गुरुजी अब फंस जाएंगे, देखना देखना फंसते हैं अब गुरुजी, अरे देख तो लो, 10, 90 ऊपर वाले नंबरों का स्क्वायर रूट, ऊपर जितनी फिंगर है, 1, 2, 3, 4, अंडर रूट 4 आ गया, नीचे कितनी फिंगर है, तो नीचे तो फिंगर ही नहीं है, तो क्या आएगा भाई, 0, और नीचे 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट आंसर तो देगा भाई,
कोई भी ट्रिक प्रबल सर की फेल नहीं होती, दुनिया में कोई भी फेल हो सकता है लेकिन प्रबल सर की ट्रिक किसे निशाने पे जाती है। सर टेन जीरो डिग्री, टेन जीरो डिग्री, ऊपर कितनी फिंगर है, जीरो अंडर रूट जीरो, नीचे कितनी फिंगर है, चार, तो अंडर रूट में फोर, और ऊपर जीरो आ गया तो टेन जीरो डिग्री जीरो, दैट्स इट। यही तरीका है इन क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा ये याद करने का, दिमाग में टेंशन फ्री हो जाओ और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर हुआ, आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई है तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ जिनको लगता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज नहीं याद होती, हम क्वेश्चंस करते रहते परेशान होते हैं और कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम फिर सोचते हैं ऐसे बाल जाते हुए कि यार 30 डिग्री साइन पे कितना था, 10 पे कितना था, तो बस अपना हाथ ऐसे रखिए और वैल्यूज को कैलकुलेट करना चालू कर दीजिए। अगर ट्रिक पसंद आई तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।